Hello, future officers. My name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. वेलकम टू द सेकंड हाफ. लेट्स बिगिन. आ जाओ थर्ड पे चलते हैं. विश्वकर्मा योजना, 15 अगस्त की स्पीच हुई है जी, अभी अभी पता होगा आपको, है ना. उसमें काफ़ी कुछ बोला गया है, वो सब कुछ एनालाइज कर लिया गया है. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आई थी, एक आपकी ये विश्वकर्मा योजना, राइट. इसके अलावा एक और कौन सी इसके साथ की है, वो लखपति दीदी, सुना है लखपति दीदी योजना, उसमें भी कैच है एक. लखपति दीदी का क्या मतलब है, उनको एनेबल करना है टू अर्न 1 लाख पर एनम. अगर कोई साल का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो लखपति है, और जिस हिसाब से आप लोग खर्चा करते हो आप लोग 2.5-3 लखपति तो होंगे, है ना, साल के, अदर देन योर फी. बट प्रेशर नहीं लेना उसका कभी भी, ठीक है. खासकर ध्यान रखना ये तुम लोगों के हम टेंडेंसी होती है, क्योंकि तुम पैशनेट लोग हो तभी इस तैयारी में घुसे हो, नहीं तो सही दिमाग वाला बंदा इस तैयारी में नहीं आता. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हर टीचर आपको क्रैक मिलेगा पैशन से भरा हुआ, है ना. एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, अगर आपको भी निकालना है पेपर तो सही तरीके से दिमाग खराब करना पड़ेगा. जुनूनी लोगों का काम है ये, जुनून के बिना ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो सकता, चाहिए पागलपन इसमें. और ये कॉमन है, ये कॉमन ट्रेट है ये, अदरवाइज़ अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो. प्राइम ऑफ योर लाइफ है, आपके गोडे चल रहे हैं अभी, आप घूम सकते हो, और जितना पैसा यूपीएससी के थ्रू कमाओगे उतना का आप बाहर भी कमा सकते हो, मेरी गारंटी है. आई कैन प्रैक्टिकली गारंटी इतना पैसा आप कमा सकते हो. द ओनली रीजन यू आर हेयर इज बिकॉज ऑफ पैशन, राइट. तो कर लो दिमाग खराब अपना भी. ठीक है जी, क्या बोल रहा था इससे पहले मैं, लखपति दीदी. और आप लोगों को मैंने वो बोला था कि आप लोग 1.5-2 लाख-3 लाख तो खर्चा करते ही हो. देन आई वॉज सेइंग कि प्रेशर नहीं लेना उस चीज़ का कभी भी, प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में डाल लो. अभी जो आपका काम है दैट इज़ टू सिट एंड स्टडी. इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन दैट कि आपको जो काम है आप वो कर रहे हो, मोर देन इनफ. ये पैसा वैसा ये तो इट्स अ फ्लोइंग थिंग. मनी हैज़ वेलोसिटी, इट चेंजेस हैंड्स. आज इधर है कल उधर होगा, है ना, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन इकॉनमी. ठीक है, तो पेरेंट्स का पैसा लग रहा है ना, वो कैसे खर्चा करेंगे, ये वो, ये सब एडिड प्रेशर है. ये कुछ नहीं, एवरीथिंग विल वैनिश द मोमेंट योर नेम अपीयर्स ऑन द लिस्ट. यूजलेस सा लगेगा आपको कि ये क्या ही है, है ना, और वो एक्चुअली यूजलेस है भी. तो प्रेशर नहीं लेना उसका, फोकस करना है काम के ऊपर. चलिए, विश्वकर्मा योजना, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनिशिएटिव है इट प्राइमरीली टारगेट्स द ओबीसी क्लास, है ना. ये आपका सवाल बनेगा इसके अंदर कि ये प्राइमरीली किसके लिए है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर, लास्ट में मेंशनड है ये, है ना. कंफ्यूज कैसे करेंगे वो कि आपको वो एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, है ना, ये इस टाइप के ऑप्शंस देके कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर ओबीसी के साथ में एससी एंड ओबीसी लिख के दे देंगे आपको, राइट. सो दिस इज
अ स्कीम फॉर द ओबीसी कम्युनिटी, राइट? तो ये ध्यान रखना है. इट टारगेट्स प्रोफेशनल्स लाइक गोल्ड स्मिथ्स, आयरन स्मिथ्स, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर्स, मेसन्स, प्राइमरली फ्रॉम द ओबीसी क्लास. बेसिकली 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स आर इंक्लूडेड. लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 3, लास्ट एब्सोल्यूट लास्ट पॉइंट, स्कोप एंड कवरेज के अंदर 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज को अंडरलाइन कर लीजिए, ये रूरल एंड अर्बन दोनों में है. लखपति दीदी इज प्राइमरीली अ रूरल स्कीम, ठीक है? ये फर्क है दोनों में. कौन कौन से हैं इसके अंदर? बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, स्कल्प्टर्स, कॉबलर्स, टेलर्स एंड मोर. इनमें से जो भी आपको लगता है कि इसमें नहीं होना चाहिए था उसको देख लेना ध्यान से. अगर वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड या इंक्लूडेड उस कॉन्टेक्स्ट से, क्या करेगी ये स्कीम? फीचर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपका फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल एनरोल्ड इन द स्कीम विल रिसीव अ पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड एन आइडेंटिटी कार्ड. दे विल बी एलिजिबल फॉर कोलेटरल फ्री क्रेडिट. कोलेटरल फ्री मतलब कुछ गिरवी या कुछ गारंटी नहीं रखनी, ठीक है जी? सीधा आप जाओगे आपको लोन मिल जाएगा आप पे विश्वास करके, कोई गारंटर नहीं, कोई कुछ नहीं. सरकार गारंटी भरती है बाय द वे आपके बिहाफ पे. व्हेन यू से कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल रहा है तो सरकार बोलती है बैंकों की कोई बात नहीं दे दो मैं देख लूंगी, राइट? चलिए, कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट ऑफ अप टू 1 लाख इन फर्स्ट ट्रेंच. ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं फॉर पीसीएस कि कोलेटरल फ्री लोन कितना कितना मिलना है. 1 लाख रुपया पहले ट्रेंच के अंदर और उसके बाद में 2 लाख रुपए एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. ये तीनों नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 5, ठीक है? इसको माधुरी दीक्षित तरह याद कर लो, आएगा ही, राइट? देन वी हैव स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट. कब से लेके कब तक इंप्लीमेंट होगी ये, वो ईयर इंपॉर्टेंट है. 2023 से लेके 2028, राइट? इसमें 5 फाइनेंशियल ईयर्स इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट जो उसके नीचे सब पॉइंट है उसका बुलेट पॉइंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर स्कीम पे सवाल आया इसके ऊपर, जो कि आने के चांसेस हैं भी, हालांकि पीसीएस शायद हो सकता है ना पूछे क्योंकि यहाँ पे सरकार दूसरी पार्टी की है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि इस टाइप की चीज़ ना प्रमोट हो. एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, राइट? चांस है, लेकिन अगर आया तो यही आएगा. यूपीएससी के अंदर हाई चांसेस आने के, इतना ज़्यादा कवर नहीं हुआ क्योंकि ये पेपर्स में, और उनकी स्पीच थी भी 3 घंटे के अराउंड की थी, है ना? तो इतना कोई एनालाइज करता नहीं उसमें, ना ही वो कवरेज आई है. तो अगर कवरेज कम आई है मतलब यूपीएससी उठाएगा, ठीक है जी? चलिए, प्राइमरीली फॉर ओबीसी कैटेगरी. अगर इसके अलावा कोई इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यार उनके लिए ना अम्ब्रेला स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, उनके लिए अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो उनके लिए ऑलरेडी स्कीम्स हैं. तो ये वाली जो पर्टिकुलर स्कीम है ये थोड़ी ओबीसी क्लास वास्ते ही है प्राइमरीली. बट फॉर एग्जांपल उसकी कोई दुकान चल रही है ना, उसका कोई चेला था कॉबलर का चेला, कॉबलर, उसने एक और दुकान खोल ली, तो वो भी सेम कम्युनिटी के अंडर काइंड ऑफ आ गया है, राइट? तो अगर आपके पास सवाल आए है ना, तो आप ओबीसी वाले पे टिक मारोगे, ठीक है जी? छोटी चीज़ है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ में हो तो उसको इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये छोटी चीज़ को इतना मान के चलो बस, ठीक है जी? इंडिया में अब जितना भी नए स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है ना, उसमें ना एक नई, क्योंकि वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. ये हमने आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू भी देखा था, हमने आयुष वीज़ा के थ्रू भी देखा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स दैट. उसका एक एस्पेक्ट आपको स्किल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि वी आर प्रमोटिंग गुरु शिष्य परंपरा अगेन, अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं, है ना? जैसे गुरदास मान ने लिखा है ना वो, कि किसे दे चरनी लग के जी,
तो वही आपको स्कीम्स में देखने को मिलता है कि किसी के नीचे काम करोगे आप और आप सीख जाओगे गुरु बना के किसी को, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स हैव वर्क्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट. हिंदकुश माउंटेन से लेके इंडियन ओशन के बीच में ऐसा ही चलता है, विच इंक्लूड्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, सारी इन सारी कंट्रीज के अंदर दिस इज हाउ द थिंग्स हैव वर्क्ड. जो सब पॉइंट है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि द स्कीम ऑफर्स स्टाइपेंड ऑफ ₹500 फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड ₹1500 फॉर द परचेज ऑफ मॉडर्न टूल्स. ठीक है जी, सिंपल इनफ. स्कोप एंड कवरेज हमने देख लिया. इसके अलावा ऊपर जो सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर आई हैव गिवन यू सर्टेन अदर स्कीम्स है ना जो कि इन लाइन है इस चीज़ के. तो ये सारी स्कीम्स के बारे में आप देख लेना एक एक करके. कौन कौन सी हैं वो? जनधन योजना, पीएम स्वनिधि. मोस्टली आई एम एज्यूमिंग कि आपने पढ़ रखा है इनके बारे में, शायद ऑन द टॉप ऑफ द माइंड आपको राइट नाउ याद ना आए, है ना, बट अगर आपको सवाल आएगा आप लोग सही निकाल लोगे कि क्या किस में होता है. इसी तरीके से कवर करते हैं हम उज्ज्वला योजना, राइट, एंड आपका विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो एग्री टेक सेक्टर और बाकी सबके अंदर सपोर्ट आ रही है रिसेंटली एसएचजीज के अंदर. और इसमें लास्ट में लिखा हुआ है बाय प्रोवाइडिंग देम विद 1500 ड्रोन्स एंड नेसेसरी ट्रेनिंग. दिस इज अ ट्रेट ऑफ लखपति दीदी स्कीम. लेट अस राइट अबाउट लखपति दीदी. लखपति दीदी की जो ट्रांसलेशन है दैट इज प्रॉस्पेरस सिस्टर्स, एक्चुअल ऑफिशियल ट्रांसलेशन. बाय द वे ये विश्वकर्मा योजना के लिए 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं, वो इसी में लिख लीजिए आप साथ में कहीं पे. विश्वकर्मा योजना के साथ ही ऐसे 3 एरो बना के, देर इज नो एज लिमिट, है ना. वो एज लिमिट पे अगर पूछेगा तो वो ऑप्शन गलत ही होएगा अगर उसने एज लिमिट दे दी. देर इज नो एज लिमिट. इंडियन सिटीजनशिप, अरे नहीं होता ऑब्वियस, आपको पता नहीं है मेरी जॉब कितनी टफ है. अगर ऑब्वियस चीज़ें हों तो मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ. यू शुड रीड सम आंसर्स विद मी. नेक्स्ट इज आर्टिसन शुड बी, द एप्लीकेंट शुड बी अ ट्रेडिशनल आर्टिसन. है ना. और एक हमने चीज इसमें लिख ली है कि ये रूरल प्लस अर्बन ये दोनों जगह की स्कीम है. यही 2-4 पॉइंट्स हैं इसके जो स्कीम के ऊपर आया तो यही आया, बस इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. डू नॉट सर्च एनीथिंग ओवर इट अदर देन वो दोज 3-4 स्कीम्स, राइट. और अगर आज टाइम हुआ तो मैं आपको अभी करा दूंगा, फिर आपको बिल्कुल ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज ये आपकी लखपति दीदी स्कीम, एम्स टू क्रिएट 2 करोड़ प्रॉस्पेरस सिस्टर्स. इन विलेजेस को हम करेंगे अंडरलाइन. विमेन विल बी प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अर्न ओवर 1 लाख पर ईयर. ड्रोन्स भी देने हैं उन्होंने. ड्रोन्स क्या काम आते हैं? थोड़ा उसमें सोचो, रूरल एरिया इज प्राइमरीली एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चर में ड्रोन काम में आते हैं, राइट. प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रे करने हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रे करने हैं, राइट, उस सब चीज़ों के लिए. क्रॉप को मॉनिटर करना है,
पेस्ट कंट्रोल, मतलब वो आ जाते हैं ना यार, वो क्या बोलते हैं, वर्मिन, वो वाले जानवर जो आपकी फसल ख़राब करते हैं, वाइल्ड बोर्स एंड ऑल, है ना। तो रादर देन कि तुम उनके पीछे दौड़ो या शूट करो, तो अगर ऊपर से आप ड्रोन उड़ा देते हो तो दे आर स्केयर्ड अवे, राइट। तो इस टाइप का सोल्यूशन देता है ड्रोन्स आपको। नेक्स्ट लिख लीजिए, विमेन एस एच जीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन एस एच जीज विल बी गिवन ट्रेनिंग इन ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स। क्या होगा इसके इसके इम्प्लीकेशन समझ में आ रहे हैं? ये एडिशनल इनकम का सोर्स है विमेन के लिए, है ना, एक नया एवेन्यू है जहाँ पे आप नए टैलेंट को खोज सकते हो। मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इसको, बट अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहो, दिस क्रिएट्स एवेन्यूज फॉर इनकम जनरेशन एंड प्रोवाइड विमेन विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, है ना, इस टाइप का पॉइंट बनेगा यहाँ पे। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट की एक हैंडबुक आई है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टीरियोटिपिकल होते हैं, राइट। स्टीरियोटाइप को समझते हैं, स्टीरियोटाइप क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से वर्ड्स को रिप्लेस करके क्या वर्ड यूज़ करने को बोला है, वो किन अभी वो स्टार्टिंग में किस सब चीज़ों के लिए है वो सब देखते हैं अभी, राइट। और अगर ड्रोन्स के बारे में आप लाइन लिखना चाह रहे हो फॉर योर रेफरेंस, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ड्रोन्स हैव द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनराइज एग्रीकल्चर, कैसे, बाय एनेबलिंग प्रिसीजन फार्मिंग क्रॉप मॉनिटरिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, अंडर दिस स्कीम सिर्फ ड्रोन्स वगैरह की ट्रेनिंग नहीं है, एनबीसी स्किल डेवलपमेंट, तो और भी चीजें हो रही इसमें। फॉर एग्जाम्पल, women will be trained in skills like LED bulb making, plumbing, etc. LED bulb making, हाँ जी उसी में। काम करते हैं, अगले 3-4 मिनट इन्वेस्ट करते हैं थोड़े से और, लेट अस राइट अबाउट 3 or 4 मेजर स्कीम्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, कर लें अभी, है ना, अप फॉर इट, चलो आ जाओ। नंबर 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नाम से समझ में आ रहा है इसमें, बेटी बचाओ कहने का मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड और सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज या एबॉर्शंस को अवॉइड करना, ठीक है जी। नंबर 1 इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के नीचे लिख लो एक एक लाइन ना, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में फर्क तो पता होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड कॉमा सेफ गार्डिंग सर्वाइवल एंड प्रमोटिंग एजुकेशन। Prevention of female infanticide, safeguarding survival, and promoting education.
Next is Women Helpline Scheme. Women Helpline Scheme, ये आपका इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा एज दे देगा अगर आपसे गलती से पूछ लिया गया, या आपने चतुर बन के मैंशन कर दिया वुमेन एम्पावरमेंट को, तो उन्होंने पूछ लिया कि एक्चुअली तुम्हें पता है या नहीं. टोल फ्री नंबर 181. टोल फ्री नंबर 181 फॉर क्विक एंड एमरजेंसी असिस्टेंस. एक एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. ये सारी स्टेट्स में काम करता है, सारी स्टेट्स एंड सारी यूटीज में काम करती है ये नंबर. नेक्स्ट इज स्वाधर ग्रह, SWADHAR, स्वाधर ग्रह, GREH, ग्रह माने घर. स्वाधर सर्च कर लेना, मैं अभी भूल गया सर्च करना, देख लेना क्या मतलब है इसका. बेसिकली ये एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन है कि द वुमेन हु हैव नो वेयर टू गो, नो सोशल असिस्टेंस एट ऑल, दीज आर दी प्लेसेस जहाँ पे उनको आपकी सोशल इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है. वन स्टॉप सॉल्यूशन टू एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिक्योरिटी इट इंक्लूड्स ऑफरिंग हाउसिंग, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इज महिला शक्ति केंद्र, MSK, महिला शक्ति केंद्र. ये 2017 की स्कीम है बाय द वे. इट प्रोवाइड्स कन्वर्जेंट सर्विसेज या कन्वर्ज्ड सर्विसेज, मतलब सारी सर्विसेज जितनी भी ली जा सकती हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगी. इट इंटेंड्स टू ऑफर कन्वर्ज्ड सर्विसेज सो दैट वुमेन कैन ग्रो देयर टैलेंट्स, फाइंड वर्क, इंप्रूव लिटरेसी. जी अगर ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, पिछले एक घंटे से खाली है ये. हाँ कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, तुम लोगों को तो मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तो बैठे हो, अब ये लोग घर पे हैं. कोई आंसर करना चाहेगा मेरे बिहाफ पे? ओके, सो दिस इज टर्निंग इनटू अ डिबेट देन. सारी स्कीम्स इफ वी टॉक, अगली बार तुम दोनों अलग बैठोगे पहली बात, ठीक है. तुम्हारे बीच में कम से कम 8 कुर्सियां होनी चाहिए, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है. बिल्कुल, दैट इज एक्चुअली अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. हमने चेक भी, हमने इसको डिस्कस भी किया था आई गेस, कि वी आर ट्राइंग कि हम लोग लॉ को थोड़ा इवन बनाएं इस चक्कर में, राइट. बट व्हेन वी सी द स्टैट्स, अब क्या होता है ना कि आप जिस एरिया में प्रॉब्ली बिलोंग कर रहे हो या जो भी है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया, राइट. बट द लॉ
इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. सो लॉ की क्या फिलॉसफी रहती है कि इवन एक भी बंदे के साथ अगर अनजस्टिस हो जाए, एक भी फीमेल के साथ इनजस्टिस हो जाए, दैट मीन्स लॉ हैज़ फेल्ड. दैट इज़ वाई लॉ इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट. अब इसको काउंटर कैसे करते हैं, राइट? जैसे ये बात बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, है ना? वी हैव एन नंबर ऑफ केसेस, है ना, जहाँ पे लॉ को इस्तेमाल करके जो है वी हैव सीन दैट अ फीमेल, उसके जो एलिगेशन है बाद में जाके झूठ निकलते हैं, क्योंकि लॉ लंबा प्रोसेस है, केस चलते हुए 7-8 साल हो गए, इतने में तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, राइट? देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन वेरियस गाइडलाइंस कि जब इस टाइप के केसेज आएंगे तो अपने रजिस्टर करने कैसे हैं. देन यू हैव सर्टेन एजेंसीज, है ना, जो कि आपको हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एंटीसिपेटरी बेल है एक हमारे पास ऑप्शन है, ये है. तो हमारे पास रेमेडीज़ भी साथ साथ में अवेलेबल है. बट स्टिल इन अ कंट्री जहाँ पे सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें आंदोलन करने पड़े, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डाउरी आज तक एज एक आम शब्द है, राइट? ऐसी कंट्री के अंदर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि इफ वी डोंट हैव एनी स्कीम्स फॉर मेल्स एंड ऑल, सारी स्कीमें मेल्स के लिए ही हैं. दीज आर दी स्पेसिफिक स्कीम्स जो फीमेल्स के लिए हैं, राइट? अदरवाइज आप कोई भी और स्कीम उठा लो. यू हैव आयुष, अगर आप हेल्थ में जा रहे हो तो आयुष्मान भारत ये वो एट्सेट्रा एनीथिंग. देन इफ़ यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर. नेशनल स्किल ट्रेनिंग, वी हैव NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है. मोस्टली हमने जो देखा है अभी तक कि जो सेकेंडरी सेक्टर है मोस्टली, जहाँ पे मशीनरी का काम है या हाथ का काम है, वहाँ पे आपको मेल डोमिनेंस देखने को मिलेगी. दैट इज़ वाई वी हैव सच इनिशिएटिव्स कि वी वॉन्ट कि फीमेल भी इस कैटेगरी के अंदर आए, राइट? चलो एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ नेक्स्ट में. लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट. आपका पर्सनल ओपिनियन कोई भी हो, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड यू हैव टू राइट वॉट इज़ राइट. ध्यान रखना ये वाले थॉट्स दबा के रखना अपने इधर उधर के, है ना? अगर आंसर में रिफ्लेक्ट हो गया दैट मीन्स कि आप अब आपके थ्रू तो समझो हो क्या रहा है इधर, आपके थ्रू ऐसे बंदे ने काम निकलवाना है जो कि ये वादे करके सरकार में आया हुआ है. यू आर दी एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट. वो चेंज हो जाएगा लेकिन अगला बंदा भी कुछ वादे करके आएगा. तो यू शुड बी द पर्सन जो कि उसकी कही हुई बात को ढंग से इम्प्लीमेंट कर दे. दैट मीन्स योर इंटेलिजेंस शुड बी फ्लूइड, ससेप्टेबल टू चेंज, राइट? तो थोड़ा सा हिसाब से आंसर राइटिंग में हिसाब रखना, ठीक है जी? पिंड छाड़ दो, बाहर आ जाओ. PPSC है ये, आपको IAS के लेवल की जॉब मिलने वाली है. एक स्ट्रिंजेंट बुद्धि वाले इंसान को काम निकलवाने में बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे. हाउएवर आप लोग एक्सपोज्ड उनके पास से होते हो, क्योंकि एक स्ट्रिंजेंट बुद्धि वाला इंसान सोशल मीडिया पे आएगा, है ना? जो ये चलता नहीं आजकल कि कोई गाना लगाया हुआ है मेरी टॉर है मेरी ये, अबे कौन देख रहा है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तुम 4-5 हो, लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, है ना? तो चूज़ योर रोल मॉडल्स वाइजली, ये 2-4 चीज़ें हैं. मैक्सिमम जनता ठीक दिमाग की है, मैक्सिमम जनता को शांति चाहिए, मैक्सिमम जनता को सच में फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन से शूज़ पहने हैं, ठीक है? तो आप लोग उस कैटेगरी के हो. फोकस ऑन नॉलेज, है ना? वो बिल्कुल है, तो उसको सही तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके आंसर में. रियल टच तो है ही है, बट अभी आप समझ रहे हो कि क्या हुआ है? एक पूरी फेमिनिज्म की मूवमेंट को लात मारी गई है, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, है ना? फ्लॉज तो मिलेंगे आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर. मैं कमेंट अभी राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट, बिकॉज ये एक प्रॉपर सोसाइटी का टॉपिक है, प्रॉपर सोशियोलॉजी का टॉपिक है. वी कैन नॉट डिनाई, अभी जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग टूवर्ड्स फीमेल्स एंड टूवर्ड्स मेल्स, है ना? वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट उसको बोलना किस तरीके से है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमें थोड़ा हिसाब रखना पड़ेगा. इससे ज़्यादा साफ शब्दों में शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा, है ना? अगर आप स्टेट ऑफ सोसाइटी देखना चाहोगे, स्टार्ट फ्रॉम योर होम, देखो कितनी की क्वालिटी है ना? फिर थोड़ा सा बाहर निकलो,
अपने फ्रेंड्स के अंदर, फिर सोसाइटी में जाओ, फिर यू विल बी देयर एट द ग्राउंड रियलिटी जो इसकी आप बात कर रहे हो. क्लियर? मैं पूछूंगा ही नहीं डू यू एग्री, मैंने नहीं पूछना. ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, दैट इज वाई इसको साइड स्टेप करना इज द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ, है ना, एंड फॉर यू एज वेल. चलिए, ऑल राइट, थैंक यू जिनेजा जी. एक कमेंट आया, ऑल क्लियर. ऑल राइट, क्या लिखे हमने लास्ट में? कुछ लिखा है इसके अंदर हमने? हाँ, कूल. तो बस ये इतना ही करता है. ये एक है उज्ज्वला स्कीम, नॉट द वन वो सिलेंडर वाली, नहीं, UJJWALA. टू सप्रेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड टू रिहैबिलिटेट सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड सर्वाइवर्स. एक्सप्लॉइटेड सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अराउंड काम करती है, और ये जो स्कीम है ये मोस्टली एनजीओस के थ्रू काम में करती है, बिकॉज सरकार के पास इतने मीन्स नहीं है, वो इतना इंटीग्रेटेड नहीं होती सोसाइटी के साथ में जितना एक एनजीओ होती है, बिकॉज एनजीओ आपकी सिविल सोसाइटी से ही उठती है, किसी की आत्मा जागती है कि यहाँ पे कुछ करने वाली चीज़ है, उसके बाद में एक एनजीओ फॉर्म होती है, राइट? तो ये जो स्कीम है ये एनजीओ के थ्रू काम उस हाँ उसके उसमें एक जे आता है. हाँ, तो ध्यान रखना है. बहुत सारी स्कीम ऐसे हैं जिनके नाम में हल्का हल्का फर्क है, तो जब भी वो आए तो उसके स्पेलिंग नोट कर लेना, राइट? चलें आगे. लेट्स गो टू द टॉपिक नंबर 7, अभी कर लेते हैं, हालांकि ये पंगा ले रहा हूं मैं. अगेन लेट मी रिमाइंड यू, जो लोग अभी मतलब यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो आपको कमेंट्स में जाके ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो इस डॉक्यूमेंट को हम कवर कर रहे हैं क्लास में. तो इन्होंने हैंडबुक निकाली है ताकि जुडिशरी जो है अपने जजमेंट्स के अंदर, राइट, वो जेंडर न्यूट्रल नॉन स्टीरियोटाइपिकल वर्ड्स यूज करें, राइट, जिससे जजमेंट का मतलब ना चेंज हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट स्टीरियोटाइप्स आर. हाँ, यहाँ पे नहीं मेंशन है, लिख लीजिए. स्टीरियोटाइप समझते हो कहा आपके? हाँ, प्री जजमेंट, बेसिकली ए सेट ऑफ आइडिया जिसको आप ट्रू मान के चलते हो. जैसे अगर हरियाणा नंबर गाड़ी दिखेगी तो आपको पता है कि गलत कट ही मारेगा, है ना? कितनी जल्दी, है ना, सबने हाँ किया है, राइट? और मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा, स्टीरियोटाइप्स पर आपके दिमाग में आ गए होंगे, राइट, है ना? छोड़ो यार, आ जाओ आगे, बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टीरियोटाइप हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इसीलिए स्टीरियोटाइप का जो डेफिनेशन है लिखिए यहाँ पे, अ सेट ऑफ आइडिया या फिर अ सेट ऑफ आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट वॉट समवन और समथिंग इज लाइक. एस्पेशली एन आइडिया दैट इज रॉन्ग. Especially an idea that is wrong. है ना? तो हम ज़्यादातर ये वर्ड स्टीरियोटाइप यूज़ करते हैं. हो सकता है स्पेसिफिक सेट ऑफ आइडिया जो है वो ट्रू भी हो सकता है, है ना? क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो, यू आर ऑब्जर्विंग.
हो सकता है सेट ऑफ आइडिया करेक्ट भी हो सकता है, स्टीरियोटाइप बेसिकली हम वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे दैट सेट ऑफ आइडिया हैज ए टेंडेंसी कि वो गलत होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कहीं देखोगे आपको एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड, जैसे ईव टीजिंग है ना, हाउस वाइफ को होम मेकर, राइट, ये स्टीरियोटिपिकल आइडियाज हैं. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हैंडबुक है, 30 पेज हैंडबुक है बाय द वे ये, और उसके अंदर यही सब इंस्टेंसेस और इस सब के बारे में गिवन है. तो जब आप मेंस में यूज़ करोगे, राइट, तो यू कैन यूज़ सच वर्ड, यू शुड यूज़ सच वर्ड्स कि वर्ड शुड बी यूज इन स्टेड, आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. और स्टीरियोटाइप्स आर टिपिकली हेल्ड अगेंस्ट समवन बाय द वर्च्यू ऑफ मेंबरशिप टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, अब मेरे जो टॉप ऑफ द माइंड एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, इफ़ यू गाइज अभी कहीं जाओगे मार्केट एरिया में या कहीं पे भी जाओगे, आपको आजकल वो देखने को मिल रही है कि बेल बॉटम्स पहने होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस्ड एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो आइडिया, है ना, एंड यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर कॉमन ट्रेट अमंग्स देम, राइट. इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, व्हेन देयर इज अ मेंबरशिप टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पर्टिकुलर आइडिया, है ना. यही आप हिमाचल साइड चले जाओगे, यू विल फाइंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप, राइट. चलिए, आपकी इम्पार्शियलिटी को हिट करता है ये स्टीरियोटाइप, राइट. जब आप एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ जाएंगे तो अगर आपका स्टीरियोटाइप स्ट्रांग होगा, यू विल डेफिनेटली मेक सम रॉन्ग डिसीजंस. यू विल डेफिनेटली, आई गारंटी यू, यू विल 100% मेक अ रॉन्ग डिसीजन. आप बंदे को जज करने में गलती कर लोगे, है ना. कोई बंदा अगर आपको ऐसे खतरनाक सा लगेगा, टैटू फॉर एग्जांपल, आज से अब तो खैर कपड़ों पे और चाल ढाल पे आ गया है स्टीरियोटाइप, इससे पहले टैटूज पे होता था कि अगर टैटू है तो बंदा खतरनाक होगा, है ना. बट आई हैव 5-6 फ्रेंड्स जिनके अच्छे खासे टैटू हैं, वन ऑफ देम हैज़ टैटू ऑन द फेस एंड ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन यू कैन फाइंड, है ना. सो दैट इज़ हाउ अ स्टीरियोटाइप जो है वो आपको धोखा देता है. दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी है, राइट. चलिए थोड़ा देखते हैं इसके ऊपर कि क्या है. फर्स्ट बुलेट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इट एम्स टू फ्री द जुडिशरी एंड द लीगल कम्युनिटी. लीगल कम्युनिटी का मतलब एनी वन दैट इज इंक्लूडेड, आपके लॉयर्स, आपके लॉ के प्रोफेसर्स जो पढ़ाए पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी, फ्रॉम द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज इन जजमेंट्स ऑर्डर्स एंड कोर्ट प्लीटिंग, राइट. ठीक है, द हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स इज रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट. ये एक सवाल बनेगा, अब तो खैर आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि हमने वर्ड्स ही देख लिए, राइट. सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है ये हैंडबुक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. और क्योंकि हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे हैं, राइट, तो अभी जो ये डॉक्यूमेंट आया है इट इज फॉर वन जेंडर, दैट इज वुमेन, राइट. इसमें इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर व्हेन आई वाज रीडिंग इट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए. तो अगर आपको कोई मेंस में सवाल आता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका क्रिटिक देना हुआ तो आप इस एंगल पे जा सकते हो, राइट. थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे, इट पॉइंट्स आउट इंस्टेंसिस वेयर सच लैंग्वेज परपेचुएट्स एंटीक्वेटेड और इनकरेक्ट नोशंस अबाउट वुमेन्स रोल एंड बिहेवियर. इंस्टेंसेस बताए हुए हैं उसके अंदर, मतलब ये अगर आपके प्री में सवाल आता है इसको लेके कोई, तो वो ये चीज़ें हैं जिसको ऑप्शन में डाला जाएगा. इट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड द वर्ड्स विच नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय मोर जेंडर न्यूट्रल टर्म्स. लेट्स एक एक लिख लो स्टेटमेंट, हाउ स्टीरियोटाइपिंग अफेक्ट्स. ये एक सीधा स्टेटमेंट लिखो, स्टीरियोटाइप्स इंपैक्ट द इम्पार्शियलिटी एंड इंटेलेक्चुअल रिगर ऑफ जुडिशियल डिसीजंस. स्टीरियोटाइप्स इंपैक्ट the impartiality and the intellectual rigor, R-I-G-O-U-R, rigor of judicial decisions.
क्या होगा इससे, मतलब ब्रैकेट में लिख लो, दे कैन कॉज जजेस टू इग्नोर और बायपास द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. यार जब व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस वाइफ ना, हाउस वाइफ जो काम करती है ना, दैट इज एन अनपेड लेबर और उसको एक यूजलेस जॉब की तरह समझा जाता है ना. बट इफ वी से कहाँ गया, हाँ इफ वी से होम मेकर, नाउ दैट इज साउंडिंग लाइक अ जॉब. हाउस वाइफ एक यूजलेस काम की तरह है. तो जब एक जज है जिसको ये समझ में आ रहा है कि दैट पर्सन इज अ हाउस वाइफ, फॉर एग्जाम्पल अ जज इज सेटलिंग अ डाइवोर्स केस जिसके अंदर उसने मेंटेनेंस भेजनी है हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, और वहाँ पे हाउस वाइफ लिखा हुआ है, तो उसको समझ में आएगा कि यार इसका क्या ही खर्चा होगा. बट व्हेन वी से होम मेकर, तब समझ में आएगा कि नहीं यार घर का सारा सामान एंड ऑल. यार अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो इसने यहाँ पे बोला हुआ है वो ये है कि ये सारे जो टर्म्स है ना, ये दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल टर्म्स कि जहाँ पे जजेस इम्पार्शियलिटी के साथ में काम नहीं कर पा रहे. दोबारा पूछो अपना सवाल एक बार, वर्ड्स चेंज करना. हाँ कि वर्ड उन्होंने, नहीं नहीं अपने वर्ड्स चेंज करो सवाल पूछते हुए. मिस इंटरप्रिटेशन किनके पार्ट पे? दोबारा बोलो. यार सी अभी राइट नाउ लेट मी टेल यू थोड़ा सा कि राइट नाउ होता क्या है. जैसी कोई जजमेंट निकलती है राइट नाउ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन रीफ्रेजेज द जजमेंट्स और वो इन वर्ड्स को रिप्लेस करता है, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में. एंड देन देर इज, जब आप पूरी जजमेंट पढ़ते हो देन देर इज कंसिडरेबल डिफरेंस कि कौन बंदा लास्ट में किस लाइट में निकल रहा है. कैनेडा के अंदर देर इज वुमेन्स पार्लियामेंट ऑफ लॉ ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. सेम काम कैनेडा में भी होता है कि वहाँ पे आपके पास में पहले जजमेंट्स निकलती हैं, राइट. जजमेंट है कुछ सेंस बनाएगी ना. राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर आप लोग इंडिविजुअल वर्ड उठाओगे कि लेट अस से कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट लिखा है उसको सेक्स वर्कर कर दिया, क्या ही फर्क पड़ा है, नहीं. बट जब आप इसको जजमेंट के अंदर पढ़ोगे, जब इसके पीछे भी वर्ड्स हैं, इसके आगे भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर एक्यूजेशंस हैं, राइट, तो आपको एक पूरी सेंस जो है एक डिफरेंट निकल के आती है. व्हाट इज हैपनिंग इज व्हाई आई एम नॉट, आप लोगों ने ये पहले भी ये वर्ड्स यूज किए हैं है ना कि डिमीनिंग है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, ये सब है. आई एम साइड स्टेपिंग दोज वर्ड्स क्योंकि इसका मुद्दा ही कुछ और है. जब आप जजमेंट कोई पढ़ते हो लास्ट में अगर ये वर्ड यूज है वर्सेस बाकी सब चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंस्टेड आप यू शुड, मस्ट नहीं है, यू शुड, कि जब हम केस टू केस के हिसाब से देखेंगे है ना. और उसके बाद में जब, जैसे मैंने आपको बताया कि कैनेडा का जो वर्ल्ड वो वुमेन पार्लियामेंट ऑफ लॉ है, सेम जजमेंट कोर्ट से निकली हुई है उसको ट्रांसलेट कर देता है, उसको रीफ्रेज कर देता है विद न्यूट्रल वर्ड्स. सेम काम इंडिया में भी हो रहा था कि आपने एक जजमेंट निकाली है, उस जजमेंट को जब पढ़ोगे पहले वाली जजमेंट और दूसरे वाली जजमेंट में, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. बात सेम है.
यस, तभी हमने शुरू इससे किया है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में एक आइडेंटिटी जोड़ देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से यहाँ पे एक कम्युनिटी के साथ में एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि डिसएग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, है ना? परफेक्टली फाइन, कर सकते हो, नो डाउट, इट इज़ ओके, बट पॉइंट उनका सही है, उनका वैलिड है इसके अंदर। सी, आप जो मेरे को अभी तक समझ में आई है बेसिक प्रॉब्लम, वो ये चल रही है कि आप इस इंडिविजुअल वर्ड को पकड़ रहे हो। कॉन्सेप्ट है कि ये जजमेंट के अंदर यूज होने चाहिए। तो जब हम इस वर्ड को एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं, राइट, तो चीज़ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल, राइट, सो आई हैव माई ओन एनजीओ विच इज़ वर्किंग सिंस 2008, है ना? सो वी हैड वर्कड विद सेक्स वर्कर्स, राइट, उनको रिहेबिलिटेट करवाना, ये सब करवाना, पुलिस के साथ में मिलके काम करना। वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड प्रोस्टिट्यूशन, इट इज़ सो डिमीनिंग। जिनको हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, हम अपनी मीटिंग्स में भी यूज़ नहीं करते थे, हम आपस में भी यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि कोई अगर और यहाँ पे देखते हैं कोई, कि सम सॉर्ट ऑफ ईव टीजिंग हैज हैपेंड विद अ चाइल्ड, है ना? अब उसकी ईव टीजिंग की सिवेरिटी कम है। इफ वी से स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट, इमीडिएटली सिवेरिटी बढ़ेगी। ईव टीजिंग को चलते फिरते उसमें, अच्छा यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल होया कीजे नच दी थी, बांह फाड़ ली, डाका तानी मारिया, व्हाट द हेल इज दिस, क्यों भाई? तो ये दो चीजें कंपेरेबल है क्या? पहला पैग लाके पवा अखा भी चक्का, क्यों भाई? दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की। भरे पड़े हैं ऐसे गाने, एंड आर सॉन्ग्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी के अंदर आपको इस टाइप की चीज की जरूरत है। अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि इसको आप इंडिविजुअल लाइट में देखोगे, दिस विल नॉट मेक सेंस। दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स द इम्पार्शियलिटी। एक जजमेंट तैयार है आपके लिए, मैं आपको बोल दूंगा कि यार जो बंदा लाल शर्ट पहन के आएगा वो बंदा खराब है, अंदर मत आने देना। आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी। अब क्या करना है आपको? लाल शर्ट वाले को ढूंढना है बस, कि तू अंदर नहीं आएगा। एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू जज। गेटिंग माई पॉइंट? कन्विंस्ड समवट? 10% कन्विंस्ड हो? चलो ऑलराइट, कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, बाहर करते हैं इस पर डिस्कशन थोड़ा। वैसे आई वुड सजेस्ट कि स्पेंड सम टाइम विद इट, लेट इट एब्जॉर्ब, क्योंकि प्रॉबेबली अगर किसी को इससे एग्री करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, हो सकता है आपको आईना दिख रहा हो सकता है देर इज समथिंग इनसाइड यू जो कि आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम दे रहा हो। इसको एक्सेप्टेंस बड़ी कुत्ती चीज़ है ना, टू डायरेक्टली से बहुत मुश्किल है। देखो इसको एक बारी समझो। कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। एक एक करके अगर हम डिस्कशन करने पे आए, हम सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज प्रूव्स दैट, राइट? इनफ फॉर इट, कूल। चलिए आगे आ जाओ, फिर चलते हैं, इसको छोड़ते हैं ना। स्पेंड सम टाइम विद इट, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, स्पेंड सम टाइम विद इट, आ जाओगे तुम? सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा कोर्ट है जिसने हिंदुइज्म को रिलीजन खारिज कर दिया है। हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वो यहाँ से निकला है जहाँ पे अब पूरी वर्ल्ड में आइडियोलॉजी घूमती फिर रही है। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट्स को सोच के खारिज करना थोड़ा सा मतलब वो बहुत सेल्फ चेक रखता है सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स की स्टेटमेंट्स आती है ना, इनको थोड़ा खा पी के देखना, बढ़िया निकल जाना स्टेटमेंट को, फील करना कि ये बोलना क्या चाह रहा है, कुछ तगड़ा ही निकलता उसमें से। ठीक है जी, चलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एक और टॉपिक है हमारे पास,
नाइन्थ वन सुस्वागतम पोर्टल, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बट मजा आया एक्सरसाइज करके, है ना, इट्स गुड। अब लग रहा है कि यूपीएससी की क्लास चल रही है यहाँ पे, नाइस। सही बता, छोड़ना नहीं है टीचर को, ठीक है, एंड तक रगड़ के रखना है, कोई भी हो तुम्हारे सामने, जब तक माइंड नहीं ना क्लियर हो रहा एंड तक चलेंगे, बिकॉज मेरे लिए भी ये चीज़ें डेफिनेटिव नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती हैं। वी जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, इट्स ऑल अबाउट को क्रिएशन, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, वी आर क्रिएटिंग, इट्स अ को क्रिएशन, वी हैव टू बी इन सिनर्जी, राइट। चलिए, सुस्वागतम पोर्टल क्या करता है ये, इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन। ये विजिटर्स के लिए है बेसिकली। अबाउट द पोर्टल के अंदर जो आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे बच्चे, द ऐप एनेबल्स एडवोकेट्स विजिटर्स इंटर्न्स एंड अदर्स टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन एंड गेट ई पासिस टू एंटर द एपेक्स कोर्ट। तो एक सवाल तो सीधा ये आएगा कि सुस्वागतम पोर्टल जो है वो इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दे देंगे और चारों ऑप्शन आपको ऐसे होंगे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो वो टेम्पटिंग होंगे कि क्या हो सकता है। सुस्वागतम पोर्टल कैन बी टूरिस्ट वीज़ा के लिए पोर्टल, राइट, और एक आपका ये है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के लिए, साथ में वो हाई कोर्ट की एंट्री लिख देगा या वो पार्लियामेंट के अंदर एज अ विजिटर लिख देगा। तो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन इन द ऑप्शन, तो वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। इसके अलावा ये तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही है, ये स्ट्रेट अवे करंट अफेयर्स में आता है। देर आर अदर ई इनिशिएटिव्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं और वो गिन के तीन चार ही हैं, सो लेट्स राइट अबाउट दैट। अभी करते हैं, ख़त्म करते हैं, आपको दोहरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर वन इज अदर ई इनिशिएटिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नंबर वन, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDG, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, that provides real time information on pending cases across various courts of country, across various courts of the country. तो क्या होगा इससे, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। आपको अगर पता होगा कि आपके कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, है ना, तो आप बैकलॉग को क्लियर करने में ज्यादा फोकस करोगे। Then we have SUPACE, SUPACE, capitals में SUPACE, ये AI based model है ChatGPT की तरह, जिसमें judges जो हैं वो judgment में help ले सकते हैं। It stands for Supreme Court Portal for Assistance. Supreme Court Portal for assistance in courts efficiency, in courts efficiency, SUPACE. लिख लीजिए एक लाइन इसके लिए, AI artificial intelligence, AI based portal aimed at assisting judges. ये जजेस के पास एक्सेस है इसका, ठीक है, लॉयर्स के पास नहीं है, एडवोकेट्स के पास नहीं है। एम्ड एट असिस्टिंग जजेस विद लीगल रिसर्च, नेक्स्ट इज ICMMP,
कैपिटल्स में आई सी एम एम पी, इसके फुल फॉर्म है ई कोट्स, ई हाइफन कोट्स, इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट. सो दीज आर द इनिशिएटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. और ये क्या करता है, टू कंप्यूटराइज द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री. ठीक है, जो आईसीएमएमपी है ये डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कंप्यूटराइज करने के लिए इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का है. टू कंप्यूटराइज द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री. मतलब जब आप किसी, बेसिकली हो क्या रहा है ना बच्चे, जब भी आप किसी चीज़ को डिजिटल कर देते हो ना, इसका मेन मुद्दा होता है कि एफिशिएंसी बन जाए, सेकेंडरी मुद्दा होता है ट्रांसपेरेंसी आ जाए. तो काम अगर ऑनलाइन है सारा, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है प्रोसेस के अंदर, रिकॉर्ड पे आता है और एक्सेसिबल भी हो जाता है. ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइलें देखने कोर्ट में ही जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, राइट, तो आप घर बैठे भी तो देख सकते हो. और आज के ज़माने में जब आप, आपका राशन बाहर से आ रहा है सस्ते में घर पे, और आप फाइलें लेने के लिए कोर्ट जा रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट. तो उसका इनिशिएटिव है ये. नहीं, इसके अंडर नहीं है, वो अलग है, उसका अलग नाम, है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, देख लेना यार एक बार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका. इसके अलावा एक और जो आ रहा है, दैट इज फास्टर, एफ ए एस टी ई आर, कैपिटल्स में. ये शायद हमने किया भी था, फास्टर, एफ ए एस टी ई आर, कैपिटल्स में. इसके फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट वेरियस ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लोकल, ये आपके हाई कोर्ट्स वगैरह के लिए नहीं है ये, टू दी अथॉरिटीज कंसर्न्ड. ये किया होगा ना इन्होंने, आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने पंगा की, ऑर्डर तो पहुंचा ही नहीं सर, हमारे पास तो आया ही नहीं था, लेट हो गया, ये है. तो उन्होंने एक पोर्टल बना दिया कि सीधा आपके पास आएगा ये, इसके थ्रू, राइट. टॉपिक नंबर 4, सो ये अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, है ना, आपके लैटिन अमेरिका के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. और इसके अंदर जो आपकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं. सो इनकी एक मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 80% ऑफ द अमेजॉन फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बाई 2025, और इसके ऊपर साइन नहीं हो पाया है, है ना. तो ये मुद्दा है इसके अंदर कि अमेजॉन फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मीटिंग रखी थी, साइन नहीं हो पाया फाइनली. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट आर दी मेंबर कंट्रीज, अमेजॉन फॉरेस्ट क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट. ऑल राइट, सो लेट्स राइट समथिंग अबाउट द अमेजॉन फॉरेस्ट फर्स्ट, है ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं.
These are tropical forests. Amazons are tropical forests. Tropical forests, Amazon rainforest के बारे में लिख रहे हैं हम. Tropical forests with closed canopy. With closed canopy. Growing within 28 degrees north and south of equator. It is bound by ये चाहे आप, मैं आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताने वाला हूँ इसका कि कहाँ से बाउंड है, तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि अमेज़न फॉरेस्ट बीच में ऊपर नीचे साइड पे. गुएना हाइलैंड्स, जी यू आई ए एन ए, टू द नॉर्थ. वेस्ट में है एंडीज माउंटेन्स, जी यू आई ए एन ए हाइलैंड्स, नॉर्थ में है. वेस्ट में है आपका एंडीज, साउथ में है ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू, साउथ ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू. ईस्ट में क्या होगा इसके, एक ओशन लगता है बड़ा सा. ईस्ट में क्या है इसके, पैसिफिक के अटलांटिक ओशन है. उस तरफ माउंटेन्स हैं उसके, इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है. ईस्ट में, ईस्ट पूछा गया. जी यू आई ए एन ए हाइलैंड्स. दीज आर कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, बाय द वे ये भी लिख सकते हो, कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, बिकॉज भारी मात्रा में CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. टेक्निकली अर्थ इज ब्रीदिंग थ्रू देम. तो ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ, है ना, वो आपको फाइटोप्लैंकटन्स ऑप्शन में दे देंगे और आप कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना. फाइटोप्लैंकटन्स लिख दिया अगर उन्होंने वहाँ पे, तो यू विल गेट कन्फ्यूज. तो ध्यान रखना है कि लंग्स ऑफ अर्थ Amazon rainforest को कहा जाता है, ठीक है. और rainforest है, that means receiving more than 200 centimeters of rainfall each year, more than 200 centimeters of rainfall per year. और temperature uniformly high रहता है, 20 से 35 degree Celsius तक. Also one more fun fact, 40% of Brazil is Amazon rainforest. 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जब आप रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उसमें आप स्टैटिक में कवर कर लेते हैं उसको कि व्हेन अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ रेन फॉरेस्ट. इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 28 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है. लंग्स ऑफ अर्थ इंपॉर्टेंट है. 40% ऑफ ब्राजील इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. ये तीन चार फैक्ट्स जो हैं इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. ब्राज़ील के ऊपर एक और फन फैक्ट है बाय द वे, दैट इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू ब्राज़ील एंड अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से ऑल थ्री लाइंस पास, ठीक है. चलिए इसमें देखते हैं क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. इज बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मेंशन, हाँ, थर्ड पॉइंट अबाउट अमेज़न कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, थर्ड बुलेट पॉइंट, ACTO इज एन एग्जांपल ऑफ द ओनली सोशल इन्वायरमेंटल ब्लॉक इन लैटिन अमेरिका. ये एक सवाल का स्टेट, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है जी. मेंबर कंट्रीज
इनको याद कर लीजिएगा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं ये सारी, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, कोलंबिया के स्पेलिंग ये होते हैं, यू नहीं आता उसमें, एक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। बाय द वे वेनेजुएला इज द कंट्री जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इट कैन नॉट एक्सपोर्ट ऑयल, राइट, दैट इज़ वाई वो क्राइसिस में है। सिमिलर काइंड ऑफ जो सैंक्शंस हैं वो ईरान पे भी लगे हुए हैं। एंड जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ऐसी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा देती है एंड देन दे लेक्चर इंडिया कि तुम रशिया से क्यों खरीद रहे हो, राइट, सो दिस गोज अगेंस्ट आर इंटरेस्ट। सो जब भी हम डिफेंस लिखते हैं कि हम लोग रशिया से क्यों ट्रेड कर रहे हैं खासकर ऑयल का, सो वी से कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है एंड आपने ऐसी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन भी लगाया हुआ है, अदरवाइज हम वहाँ से ले लेते, ठीक है, जस्ट नाम आया तो सामने, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा कुछ भी है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट बेलम डेक्लेरेशन है ना, बेलम इज अ सिटी इन ब्राज़ील बाय द वे, बेलम डेक्लेरेशन, अगेन सिमिलर थिंग जब भी आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, दैट इंडिजिनियस नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज टू प्रिजर्व एनी इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, जो हम लैंडस्लाइड्स के बारे में बात कर रहे थे, हिमाचल वगैरह की बात कर रहे थे, सो इसमें भी सेम बात हुई है, इट रिकोगनाइजेज इंडिजिनियस नॉलेज एज अ कंडीशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कॉल्स फॉर इंश्योरिंग फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल। अगेन मेनली फोकस अगर आप देख पा रहे हो इस पूरी डिक्लेरेशन के ऊपर, इंडिजिनियस नॉलेज के ऊपर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। और अगर सवाल आएगा अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द बेलम डिक्लेरेशन, या बेलम डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज कंजर्वेशन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर और खतरनाक सवाल आया, थोड़ा नेक्स्ट लेवल सवाल आ गया, तो उसमें यह पूछ लेगा कि क्या उसकी टेक्निक है, दैट इज कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिजिनस नॉलेज इन द कंजर्वेशन, तो वैसा सवाल बनेगा इसमें, ठीक है जी, सिंपल इनफ। बाय द वे देर आर सर्टेन निमोनिक्स जो आप अभी से याद करके रख सकते हो, हालांकि अब वो यूपीएससी ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर पे हैं, कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, या कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाया करती हैं, इसके निमोनिक्स ना इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर और बहुत इजी है ना, तो इसको आप जब भी टाइम लगे याद कर लो, ये बुरे वक्त में काम आएगा, जब वो कट थ्रोट कंपटीशन नहीं हो जाता कि आपको पता है कि पेपर ना मॉडरेट आया है, तो मॉडरेट आने का मतलब कि जिसने अटैम्प्ट सही कर लिया वो निकल जाएगा, जिसने अटैम्प्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी उसका फंस जाएगा पेपर, तो मॉडरेट पेपर्स थोड़े टफ होते हैं क्रैक करने, हार्ड वाले इजी होते हैं, इजी वाले बहुत हार्ड होते हैं क्रैक करने, राइट, तो ऐसे बुरे वक्त में ये सब नॉलेज काम में आती है, किस कॉन्टिनेंट पे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट कर रही है, कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को कट कर रही है ना, हर कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर, ये वो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ये, इसको प्रिपेयर करके आप रख लेना, राइट, ये आपकी जर्नी को आसान बना देते हैं, ऐसे वाला प्रीलिम्स निकलवा देते हैं ये जिसके निकलने के कोई चांसेस नहीं होते, राइट। चलिए कौन सा टॉपिक रह गया इसमें, एट्थ रह गया, एट्थ आप अपने आप से कर लेना, एक्चुअली हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे दो विमेन फ्रीडम फाइटर्स को मेंशन किया था, मातंगनी हाजरा, बाय द वे दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, राइट। इसके अलावा ये तो खैर आप देख ही लोगे क्या है इसके अंदर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदर देन दैट देयर आर 3-4 फीमेल फ्रीडम फाइटर्स, राइट, जो विच फाइंड लेस मेंशन इन योर टिपिकल बुक्स, पर यूपीएससी बाहर जाता है उससे, सो आई विल मेक यू राइट 3 ऑफ देम, राइट, लेट्स डू इट। आपने झलकरी बाई इनके बारे में सुना होगा है ना, कमांडर इन रानी लक्ष्मी बाई आर्मी, राइट। इसके अलावा वी हैव हंसा मेहता जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, ये सब वो हैं जो आप लोग जनरली पढ़ते हो, जो नहीं हम जहाँ तक पहुँचते दैट इज़ बसंती देवी, लिख लीजिए, अदर नोट वर्दी फ्रीडम फाइटर्स, विमेन फ्रीडम फाइटर्स,
नंबर वन बसंती देवी, बाय द वे शी वाज द वाइफ ऑफ चितरंजन दास, सी आर दास, राइट, फाउंडिंग, बस इसके आपने डैश डाल के पॉइंट्स लिख लो, फाउंडिंग मेंबर ऑफ नारी कर्म मंदिरा, नारी कर्म, के ए आर एम ए, कर्म या कर्मा, नारी कर्मा मंदिरा, इट वॉज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंटर था ये, एजुकेशन सेंटर था फॉर वेमेन. नारी कर्मा मंदिरा, शी रैन अ वीकली पब्लिकेशन, बंगलार कथा, बी ए एन जी ए एल ए आर, शी रैन अ वीकली पब्लिकेशन, बी ए एन जी ए एल ए आर, कथा, के ए टी एच ए, बाय द वे इट वॉज स्टार्टेड बाय सी आर दास, उनकी डेथ के बाद में उन्होंने किया, ब्रैकेट में लिख लो आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास. लास्ट वाले टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है, उसमें मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी है इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि जो लोग हेल्थ से एसोसिएटेड नहीं है कृपया करके हेल्थ पे सोच समझ के बात करें. ठीक है जी, अगर आपको लगता है तरबूज खा के वेट कम होता है, सोच समझ के बोलना. चलिए आगे लिखते हैं. और सुनीति, एस यू एन आई टी ए, सुनीति चौधरी, डैश डाल के लिख लीजिए, असैसिनेटेड ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब आपको थोड़ा सा डर लगेगा, व्हेन शी वाज 16 इयर्स ओल्ड. सो शी, बाय द वे, शी इज डब्ड एज द यंगेस्ट फीमेल रेवोल्यूशनरी. सो अगर ये सवाल आएगा तो दिस इज द आंसर, लिख लो ये भी, शी कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट फीमेल रेवोल्यूशनरी. द वर्ड इज रेवोल्यूशनरी, कंफ्यूज नहीं होना. हाँ, कौन दूसरी, कौन थी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, शांति घोष, एस ए एन टी आई, एस ए एन टी आई जी एच ओ एस ई, गुड यार, वेरी गुड, कीप इट अप, दिमाग तो तुम्हारा भी खराब ही है इसका मतलब. यही चाहिए, गुड. दो थी वो, why I have given the single name is because I have to give the fact कि youngest कौन था, right? By the way, she was hanged at the age of 17 also. ये भी fact है साथ में, 17 की उम्र में फांसी भी होगी थी. Last is मीरा बेन, M double E R A space B E H N. बाय द वे ये अलग अलग स्पेलिंग से मिल जाएंगे आपको, एम आई आर ए बी ई एच एन, ई सिंगल वर्ड भी होता है. शी वॉज नॉट इंडियन, शी वॉज ब्रिटिशर बाय द वे, राइट. ब्रैकेट में लिख लो इनका रियल नेम है मेडलिन स्लेड, एम ए डी ई, एम ए डी ई एल ई आई एन ई, स्लेड, एस एल ए डी ई. Worked with Mahatma Gandhi. अब जो PCS के लिए और UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट, रोट ऑटोबायोग्राफी, स्वजीवनी, है ना, मतलब ये नाम नहीं है, स्वजीवनी ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं.
रोड ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज. अदर पब्लिकेशंस जो इन्होंने करी हैं दैट इज बापूज लेटर्स टू मीरा एंड न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स GLEANINGS. दोबारा बोलूं, बापूज लेटर्स टू मीरा, ये न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स GLEANINGS क्या मतलब होता है? These are facts that are gathered from many sources rather than taken as a whole. ठीक है, उसको gleanings बोलते हैं, collection basically. चलिए जी, last topic पे चले आज के. Guidelines to influencers. So the guidelines have been given by the Department of Consumer Affairs. Kis ministry ke under hai ye? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Ye pura iska naam. सी, जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे, इन्होंने पॉइंट बोला था कि एज एन एस्पिरेंट या फिर एज फ्यूचर ऑफिसर्स लेट अस से राइट, वी शुड बी अवेयर अबाउट द ग्राउंड रियलिटी. राइट नाउ द जब से फ्री इंटरनेट परकुलेट हुआ है गांव के अंदर, तब से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत अलग तरीके से जा रही है. राइट, आप लोग भी, आपको पता नहीं चलता होगा कि ये 3 घंटे की क्लास लगाते हुए तो बैठते हुए आपके बॉडी पार्ट्स दुखते होंगे, लेकिन बैठ के वो स्वाइप 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 करते हुए नहीं दुखता. कॉग्निटिव ईज है वहाँ पे ब्रेन के लिए. राइट, फटाफट हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ मिनिस्ट्रीज टैकल दैट. अभी स्टार्टिंग में क्या आया है? गाइडलाइंस आई है कि भाई हिसाब रखो, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी. नेक्स्ट क्या आएगा? लॉज आएंगे. नेक्स्ट क्या आएगा? एनफोर्समेंट. है ना, दिस इज़ हाउ थिंग्स प्रोग्रेस. अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है तो हमारा जो टॉपिक है इट इज़ नॉट अ पॉलिटी बेस्ड टॉपिक, ये हमारा सोसाइटी सोशल इश्यूज बेस्ड टॉपिक बनेगा ये फॉर नाउ. लेकिन आप आने वाले सालों में देखोगे, अगर तो आपने निकाल ली सिलेक्शन 24-25 में तो ठीक है, अगर तैयारी कंटिन्यू रही तो सेम टॉपिक को आप पढ़ते हुए देखोगे पॉलिटी के अंदर, कि गाइडलाइंस के बाद में लॉज आ गए इसके ऊपर. राइट, दिस इज हाउ एज अ सोसाइटी वी प्रोग्रेस. एंड लॉज आर नथिंग बट एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स, कि हम सारे कॉमन पाथ पे आ जाते हैं. जैसे मैंने पहले भी आपको शायद एग्जांपल दिया, तुम्हें लगता है मर्डर गलत है, ठीक है जी मर्डर गलत है, वी ऑल एग्री ऑन दैट, तो वो लॉ में आता है. सो अभी ये गाइडलाइंस तक ठीक है, है ना. चलिए आगे देखते हैं क्या है गाइडलाइंस के अंदर, की पॉइंट्स क्या है. नंबर वन इज, ये वैसे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है खुद भी? हैव यू कम अक्रॉस फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन रील्स एंड ऑल शॉर्ट? हाँ, बस वही है, उसको दिमाग में रखते हुए देखो कि उस टाइप जो आपने खुद ऑब्जर्व किया है उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है. तो ये एग्जाम्पल के तौर पे डाला गया है यहाँ पे, ठीक है. मतलब मिनिस्ट्री ने तो काम किया है अपना. मैंने क्यों डाला है आपके लिए यहाँ पे इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी जैसे उन्होंने बोला आप ऑब्जर्व तो करते हैं हम, अब उसको सही वर्ड्स में डालते कैसे हैं, दिस इज हाउ. आ जाओ देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडिशनल गाइडलाइंस इज टू डील विद द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स मतलब अनवेरीफाइड क्लेम्स, एंड एनश्योर ट्रांसपेरेंसी इन हेल्थ एंड वेलनेस एंडोर्समेंट्स. ठीक है, तो मतलब कि अगर आपकी जनता बात सुन रही है तो आप अपनी जुबान केसरी ना करें तो ठीक रहेगा. ठीक है, जितना इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ मैंने बोल दिया है. राइट,
क्या है की पॉइंट्स? नंबर वन, डिस्क्लोजिंग द सर्टिफिकेशन. अगर आप सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, क्योंकि वहां पे तो अब इंटरनेट के ऊपर जेन्युइन बंदा भी है, इंटरनेट पे मेरी वीडियोस भी जा रही है करंट अफेयर्स की, साथ में आप सुबह देखोगे सुबह 8 बजे लोग शुरू हो जाते हैं पूरा पूरा अखबार पढ़ाने के लिए. सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट इंटरनेट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली. क्वालिटी ऑफ कंटेंट का कोई लेना देना नहीं होता नंबर ऑफ व्यूज़ के साथ में. और वी आर अ शिकार ऑफ एल्गोरिदम कि ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूज़ हैं तो मतलब लोगों को पसंद आ रहा तो दे दो. Nobody is verifying. तो पहले पार्ट में वही है कि disclosing the certification. If you are a certified medical practitioner, right, holding certifications, है ना, तो you need to mention it. आपको certification mention करनी है. Next is you have to आपको disclaimers देने हैं. क्या disclaimer देना है? आप इसके इसी point के अंदर last में अगर जाएंगे आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा. Audience should understand that their endorsement should not be seen as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. ठीक है, फिर भी अगर आपने ये काम करना ही है, आपने लोगों को बताना ही है ना, तो आप यू हैव टू आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि अगर एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है ना, तो ये गाना सुनने से ठीक नहीं होएगी. तो अगर आप वो छोटे वाला गिटार लेके बजाना शुरू कर दोगे पहाड़ पे जाके, That does not mean कि आपका ukulele होता जो, that does not mean कि आपकी mental health सही हो जाएगी, right? So you have to provide the disclaimer. इसमें जो एक important चीज़ है, exemption किस किस को दी हुई है? Again some general agreed upon principles. Disclaimer, exemption क्या है? Second last point, general wellness and health advice like पानी पियो, drink water, stay hydrated are exempted from these regulations. वो उसमें आपको ये सब डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कह रहा हूँ पानी पी रहा हूँ लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछ लेना एक बार, एग्जेम्प्टेड है, राइट? रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? DOCA, यही जिसने ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने दिया है, राइट? क्यों यहाँ पे ये मेंशन्ड है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इससे कोई लेना देना नहीं है. It is altogether a different ministry. That is why I have mentioned it here. So, ये Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution के अंडर है, Ministry of Health के अंडर नहीं है. That will be a point of confusion for you guys. मतलब अगर इस टॉपिक को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें कि हम पेपर के हिसाब से इसमें हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द रोड अहेड कि हमको इस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है ना. तो उसके आपके कुछ गिने चुने पॉइंट्स बनेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हेल्थ बेस्ड आया है, इसके अलावा और क्लेम्स भी तो हैं यूट्यूब के ऊपर. अगर आप डायरेक्ट उसमें जाओगे साइड पे तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन थोड़े समय पहले आई वॉज रीडिंग अ केस स्टडी जिसमें ये टोना टोटका वाली वीडियोस ट्रेंडिंग पे होती थी, है ना. तो अब हाउ डू वी अप्रोच इट, है ना. तो उसके लिए व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? लॉ एनफोर्समेंट यार महंगा प्रोसेस है, उसमें एफर्ट लगता है. समझ में आया, वहाँ पे लगाना मुश्किल है. उनके पास थोड़ा सा अगर रियलिटी चेक दूँ, उनके पास ना पॉपुलर सपोर्ट है, इसका बैकलैश आ जाता है. आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आनी नहीं चाहिए, ये मकसद है टेबल पे, ये मकसद है. अब अगर ये काम आपका प्यार से निकल रहा है तो आप क्यों ड्रास्टिक स्टेप लोगे? फॉर एग्जाम्पल
आपके ऊपर अभी थोड़े टाइम पहले मना किया था कि छत पे कोई नहीं जाएगा, वो बिल्डिंग वालों ने बोला था कि इट्स अ सेफ्टी हैजार्ड कि अगर कोई बच्चा गिर गया यू गाइज आर आर लायबिलिटी, है ना? तो क्या हुआ था आप लोगों के साथ? आपको प्यार से बोला गया था स्टार्टिंग में कि ऊपर नहीं जाना, है ना? ऊपर जाना क्या, क्यों नहीं जाना? ऊपर जाना अलाउड नहीं है बच्चे, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। इट वर्कड, एक दो फिट अगर ऊपर, फिर रमेश सर ने हड़का दिए कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या कर रहे हो, है ना? तीसरा स्टेप क्या हुआ? ताला लगा दिया वहां पे। डू यू सी द स्टेप्स? ड्रास्टिक से बनने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके आम भाषा, आप आम डिस्कशन का मुद्दा बनता है। क्यों उछालना है इशू? ये मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता रहा हूं मैं, ये आपकी ये अभी पीडी में चली गई है बात, ये पर्सनल डेवलपमेंट की बात शुरू हो गई है यहाँ पे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इस पूरी बात की, कि आपके पास मुद्दा क्या है, कि हमको मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है, हमारा प्राइमरी मुद्दा वही रहेगा, और हमने सबसे कम एफर्ट के साथ में सबसे एफिशिएंटली करना है। लॉ मेकिंग प्रोसेस एक टीडीएस प्रोसेस है, पार्लियामेंट से निकलता है वो, गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वो आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप काउंटर इन्फॉर्मेशन देके सही भी कर लो, सही इन्फॉर्मेशन भी तो आती है वहां पे, राइट? यार वो आप लिटरेसी रेट और उसके हिसाब से देखो एक बार, इंडिया में लोगों के समझ के ऊपर ना, अभी जब आप लोग भी सर्विस में आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया गोल नहीं है, है ना? बेवकूफ है, राइट? रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, वी हैव टू रेगुलराइज द एडवर्टाइजर्स, जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, किसको बोला? आपके इन्फ्लुएंसर को। तो एडवर्टाइजर्स के ऊपर हम लगा सकते हैं, वो है भी हमारे पास, उनके ऊपर रेगुलेशंस है भी, तो उनको हम बोलेंगे कि अपनी एडवर्टाइजमेंट को आपने रेगुलर रखना है जी, एक्यूरेट रखना है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करनी। एक वो रोड हेड है, जब कोई फॉर एग्जाम्पल रोड हेड की बात कर रहे हैं, समझना इस चीज़ को, है ना? अगर इनपुट देना चाहो तो आप दे भी सकते हो। वी शुड टॉक अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन एंडोर्समेंट्स, कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आप में से कोई, है ना, और आप किसी ब्रांड का प्रमोट कर रहे हो, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। वहाँ पे हम लॉ पे काम करेंगे कि वहाँ पे पेड प्रमोशन लिखा हुआ आना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वॉट, रेगुलेटरी ओवरसाइट, एक रेगुलेटरी बॉडी बना देंगे अगर ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हुआ, राइट? वन थिंग जो अभी तक किसी ने मेंशन नहीं करी है, आप लोग अगर ऐसी किसी चीज़ को कम अक्रॉस करें तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना? तो जब हम इस टाइप के टॉपिक को अप्रोच करते हैं तो हम इस तरीके से सोचते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड, राइट? ठीक है जी। इंक्लूडिंग जो आपने पॉइंट बोला था मासिस को एजुकेट करना, वो जनरली हर किसी चीज़ का सोल्यूशन है, वो एक जेनरिक सा सोल्यूशन है अल्टीमेटली, राइट? ऑल राइट, सो आंसर मिल गया आपको इस बार का क्वेश्चन, है ना? बाय द वे हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी शुरू कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, कि ये सही है या नहीं, एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना के थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी इनके क्लेम्स की। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट
जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।